हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मच मिस्ट मोर। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लाए हैं। इसमें हम आपको दिखाएंगे घेवर कैसे बनाते हैं। जी हाँ, घेवर घर में भी बना सकते हो आप। घेवर एक राजस्थानी डिश है, राजस्थानी मिठाई है, जो कि तीज और रक्षाबंधन के टाइम पे खाया जाता है। तो ये वीडियो आप देखिए और घर में बनाइए और मज़े से खाइए। और हाँ, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखते हैं घेवर कैसे बनाते हैं। तो घेवर बनाने के लिए हम घेवर के ऊपर डालेंगे जो एक पहले तो रबड़ी और दूसरी चाशनी। तो ये दो बनाने के लिए हम पहले एक पतीले में दूध उबाल लेंगे। हमने एक पतीले में दूध लिया, उसके ऊपर चीनी डाला और हमने उसको उबालने के लिए रख दिया है। और फिर हम दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें हम चाशनी बनाएंगे। देखिए, बर्तन लिया, उसमें हमने चीनी डाला और उसमें चाशनी बनाने के लिए उसमें हम पानी डालेंगे और उसको भी हम उबालने के लिए रखेंगे। तो धीरे धीरे जब तक ये आपका दूध उबल, रबड़ी बन रहा है और चाशनी बन रहा है, हम बाकी चीज़ें हम तैयार करेंगे घेवर बनाने के लिए। तो ये चाशनी हम थोड़ा सा और ये दूध दोनों हम थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि लाइक दूध जल ना जाए या कुछ हो ना जाए। और फिर इसको हम रबड़ी बनने देंगे और यहाँ चाशनी बनने देंगे। जब तक ये हो रहा है, हम घेवर बनाने की तैयारी करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए हम लेंगे एक बर्तन में हम घी डालेंगे। और हाँ, ये जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आइस क्यूब। ये घेवर का जो बैटर बनाएंगे वो ठंडा रहना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको जो फेंटेंगे तो इसको हम आइस क्यूब के साथ फेंट रहे हैं ताकि ये ठंडा रहे। देखिए, हम इसको अच्छे से फेंटना ज़रूरत है, घी को और आइस क्यूब को। इसको बहुत अच्छे से फेंटने की ज़रूरत है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमें बैटर बनेगा। अब हम इसमें धीरे धीरे बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। तो पहले जो मेन चीज़ है इसमें मिलाने का, वो है मैदा। तो हमने एक कप मैदा लिया है। तो हम मैदे को इसके साथ धीरे धीरे मिक्स करेंगे और फेंटते रहेंगे। और हाँ, जैसे मैंने बोला, इसको ठंडा होना चाहिए, तो इसमें हम पानी भी डालेंगे, वो भी एकदम चिल्ड वाटर डालेंगे, एकदम ठंडा। तो पानी हम हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही आइस क्यूब डाला हुआ है, तो पानी भी उसके ज़रूरत से हिसाब से डालेंगे। और ताकि ज़्यादा पानी ना हो जाए, थोड़ा सा पतला पतला होगा ये बैटर, और अच्छे से फेंटने की ज़रूरत है। जितना अच्छा फेंटेंगे ये बैटर, उतना ही अच्छा घेवर बनेगा। और ये ठंडा रखने के लिए हम इसमें चिल्ड वाटर और आइस क्यूब वगैरह यूज़ करते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसको फेंटते रहेंगे, बहुत अच्छे से फेंटेंगे। और जब तक एकदम, देखिए जैसे दिखा रहे हैं वैसा ना हो जाए, तब तक हम बैटर इसको फेंटते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और उसी के हिसाब से पानी और मैदा ये सब कुछ धीरे धीरे डालते रहेंगे। और ये जितना अच्छा बैटर बनेगा, घेवर भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये बैटर लगभग तैयार हो रहा है। देखिए, हम इसमें जितना चाहे पानी, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही पानी डालेंगे। और ये एकदम चिल्ड वाटर डाल रहे हैं। तो देखिए, हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, तो इसमें ये बैटर अच्छा बनेगा और ये खाने में स्वादिष्ट होगा। एक चम्मच नींबू का रस डाल दिया हमने। और ये देखिए, चाशनी जो तैयार हो गया है, चाशनी को अलग कर देंगे। और हाँ, बैटर अगर हाथ से नहीं बन रहा है तो आप मिक्सर में भी डाल के इसको बना सकते हो, तो वो और भी अच्छा बनेगा। तो बैटर आप मिक्सर में भी बना सकते हो। ये देखिए, दूध उबल रहा है रबड़ी बनने के लिए। ऑलमोस्ट जितना दूध हमें दिया था उससे आधा हो गया है, और भी इसको कम करना है उबाल के। और ये देखिए, चाशनी एकदम तैयार है। तो हम इसको बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे तो चाशनी जमेगा नहीं। तो इसको हमने बंद कर दिया और नींबू का रस डाल के चाशनी अलग करके रख दिया है। और अभी जो रबड़ी बन रहा है उसको हम देखेंगे। उसमें हम डालेंगे इलायची और केसर, तो कि रबड़ी अच्छा स्वादिष्ट बने। तो इलायची और केसर डाल के हम दूध को और उबालेंगे और अच्छे से रबड़ी बनाएंगे। तो ये दूध लगभग उबल गया है
और ये देखिए बन गया हमारा रबड़ी। ये कलर भी देखिए चेंज हो गया, एकदम येलो हो गया है, देखने में ही अच्छा लग रहा है। तो रबड़ी बनाना कंप्लीट हो गया। तो रबड़ी और चाशनी दोनों हम अलग करके रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे घेवर। तो हम एक बर्तन में ठंडा पानी डाल रहे हैं, उसके ऊपर वो जो बैटर हमने बनाया था उसको हम रख रहे हैं ताकि ये ठंडा रहे। जितना ठंडा रहेगा घेवर उतना ही अच्छा बनेगा। फिर हम एक बर्तन लेंगे और ये देखिए बर्तन लिया है, उसमें हमने तेल डाला है और उसको बहुत गर्म किया है। और जितना डीप, थोड़ा सा डीप बर्तन लेना है ताकि घेवर अच्छा बने। तो उसका हमने बहुत गर्म किया है और धीरे धीरे ये बैटर उसमें डाल रहे हैं। ये जैसा बर्तन होगा उतना ही आपका घेवर का साइज़ होगा। तो आप अपना बर्तन जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा वो थोड़ा डीप हो ताकि तेल थोड़ा ज़्यादा हो और उसमें बैटर अच्छे से डाला जाए और ये घेवर का रूप ले सके। तो जैसे आप देख रहे हो तो हम धीरे धीरे उसमें बैटर डाल रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप ही, जैसे बैटर ठंडा है और गर्म तेल है तो धीरे धीरे अपने आप ही घेवर जैसा रूप ले रहे हैं। ये बीच में घेवर का जो होल होता है ये अपने आप ही हो रहा है। अगर अपने आप ना हो तो आप बीच में एक नाइफ लेके उसको बीच में थोड़ा सा होल करके कर सकते हैं बीच बीच में, तो आपका घेवर बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखिए धीरे धीरे हम डाल रहे हैं, जितना मोटा आप घेवर बनाना चाहो उतना ही आप बैटर यूज़ करो और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देखिए ये फ्राई होने को आया है। तो ये देखा आपने कि धीरे धीरे वो बैटर फ्राई होके घेवर का रूप ले लिया है। तो हम इसको थोड़ा सा तेल में ठीक से डुबो देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे, चारों तरफ अच्छे से फ्राई करेंगे। ये धीरे धीरे फ्राई हो जाए, थोड़ा सा ब्राउनिश, ज़्यादा ब्राउनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बनाने की ज़रूरत है ताकि घेवर का देखिए कितना अच्छा घेवर का मतलब जो शेप आया है कितना अच्छा आया है। तो हम इसका अच्छे से तेल से निकाल के हम एक प्लेट में रख देंगे। तो इसी तरह हमें दूसरा घेवर भी बनाना है। तो ये देखिए हम फिर से बैटर डाल रहे हैं। पहला वाला हमने थोड़ा सा पतला बनाया था तो इसको हम थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। ये इसीलिए अब जैसे नो बाहर घेवर बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के मिलते हैं, आपके पास उतना बर्तन हो तो आप ऐसे भी साइज़ के बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप थोड़ा सा। बट ये देखिएगा बर्तन थोड़ा डीप हो ताकि ये डीप फ्राई हो सके। तो ये देखिए दूसरा घेवर भी बन गया और ये कितना अच्छा शेप आया है इसका। ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा हमने बनाया है। तो एक थोड़ा जितना बैटर हमने लिया था उसमें कई सारे घेवर आप बना सकते हो। तो हम इसके ऊपर अभी देखिए चाशनी डाल रहे हैं। तो इसके ऊपर मतलब इसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा मीठा मीठा बनाने के लिए देखिए चाशनी डाल रहे हैं चारों तरफ। तो ये पूरा एकदम चाशनी सोख लेगा, अच्छा होगा, मीठा मीठा लगेगा। और अभी इसमें ऊपर डालेंगे रबड़ी। देखिए तो आप सोच सकते हैं तो कितना स्वादिष्ट लगेगा जो हम इसके ऊपर रबड़ी डाल रहे हैं। और ये रबड़ी जितना बनाया है, जितने सारे घेवर है आप उस पर बना सकते हो। तो जितना चाहिए उतना ही आप डालिए, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ये बहुत मतलब टेस्टी है, वैसे आप खा सकते हो क्योंकि चाशनी ऑलरेडी डाला हुआ है। और ये देखिए कितना अच्छा बन गया है, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो हम इसके ऊपर से सजाएंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काजू, आमंड, पिस्ता, जो भी आप मन चाहे डाल सकते हो। हमने काजू और आमंड डाला है, उसके ऊपर हम डालेंगे रोज़ पेटल्स सजाने के लिए। और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा केसर भी डाल देंगे तो ये दिखने में और ज़्यादा अच्छे लगेगा। देखिए केसर वगैरह रोज़ पेटल डाल के और ड्राई फ्रूट्स डाल के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है। तो ये बन गया आपका स्वादिष्ट घेवर। बाज़ार में आप बहुत ही दामों से घेवर खरीदते होंगे, लेकिन ये बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही स्वादिष्ट घेवर हम घर में बना सकते हो बहुत ही कम खर्चे में और बहुत सारा बना सकते हो और अच्छे से खा सकते हो। अपना तीज, रक्षाबंधन, जो भी फेस्टिवल है उसमें बना सकते हो और दूसरे भी फेस्टिवल में बना सकते हो, खा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घेवर बना के बताइएगा हमें कि कैसा बना। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखते रहिए
और हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम दूसरे वीडियो लेके सामने आपके जल्दी जरूर आएंगे। और ये देखिए घेवर हम टेस्ट करेंगे कैसा बना है। तो ये देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो खाने के बाद कैसा लगेगा आपको सोच ही सकते हैं। तो जस्ट यम्मी, आई कैन से जस्ट टेस्टी एंड यम्मी, सो इट्स वेरी टेस्टफुल। तो बनाइए और अपने फेस्टिवल को है ना, बाहर के मिठाई से ज़्यादा घर में मिठाई बनाइए और खाइए, और फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। हैप्पी तीज, हैप्पी रक्षाबंधन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।